अज का जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी वालों किया गया। ये प्रदर्शन पिछले दिनों दे विच जो जहरीली शराब पी के बटाला च अमृतसर च तरन तारण च पूरे पंजाब दे विच जिहड़े नौजवानों ने अपनी जिंदगी तो हाथ धोबले धोले उहदे वास्ते प्रदर्शन किया गया पंजाब सरकार नूं जगाउण वास्ते, क्योंकि अज तो 3.5 साल पहला कैप्टन साहब ने गुटका साहब हाथ च फड़ के सौं खाधी सी कि भी मैनू मेरी सरकार बनाओ मैं 2 हफ्तों च नशे का खात्मा कर देंगा। मैं वो कैप्टन साहब नूं पुछना चाहना अपने मानयोग मीडिया राही अपने मानयोग पत्रकार भरावां राही कि कैप्टन साहब तुसी वो धार्मिक ग्रंथ श्री गुटका साहब उहनूं हाथ च फड़ के सौं खाधी सी वो सौं कित्थे गई, वो तुहाडा धर्म कित्थे गया। 3.5 साल ची तुसी नशा नहीं खत्म कर सके और अज एक घटना हुंदी आ और सैकड़िया लोग अपनी जिंदगी तो हाथ धो पैंदे ने। मैं दसना चाहना कि कुछ अफसरां नूं सस्पेंड करके थोड़ी बहुत कार्रवाई करके कुछ वेचण वालियां नूं फड़ के ये चाहते ने जनता दी अखां च धूल झोंकना। जनता सैटिस्फाई हो जाए और कहे कि वाकई सरकार ने कुछ किया। मैं ये जवाब च कहना चाहना एक घटना कली बटाले च नहीं हुई, ये तर्क दे के गल करदा कि घटना कली बटाले च नहीं हुई, अमृतसर तरन तारण पंजाब के अलग अलग इलाकों च हुई है और उ 2-3 दिनों के हुई है। यदा मतलब यह है कि लाट भी उही सी शराब का जहरीली का और मगर सौदागर भी उही सी जे परदेस स्तर पर इनू बना के पूरे पंजाब च सप्लाई करते हैं, पूरे पंजाब के नौजवानों की जिंदगी पूरे पंजाब के घर बर्बाद करते हैं। ये मगर कोई छोटा मोटा कोई तस्कर नहीं है, बहुत व्डे तस्कर जोड़े ने प्रदेश लैवल लगे देने और उन्होंने नाल सरकार और प्रशासन, क्योंकि सरकार तो बिना इदा का कम नहीं होंगे। मैं ये चेतावनी देना चाहना कैप्टन साहब नूं कि कैप्टन साहब जे अपने धर्म के इन्ने पक्के हो अडिगो तो अपनी नैतिकता का आधार के उत्ते 3.5 साल बाद ही तुम अपनी सौं नूं पूरी नहीं कर सके, तुहानू सत्ता छड्ड देनी चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। तार करो कैप्टन सरकार, कैप्टन सरकार नशे में सौदागर गिरफ्तार करो।